विश्व भर में जादूगर के नाम से मशहूर पाकिस्तान के ऑफ ब्रेक गेंदबाज सईद अजमल ने बीते सोमवार को क्रिकेट जगत में अपने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने AFP को फोन कर बताया, मैं मौजूदा राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट के बाद सभी प्रकार के क्रिकेट को छोड़ रहा हूँ। ये एक बेहद संतोषजनक करियर था जिसमें मैंने अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किया था उसे हासिल किया और टीम को जीतने में मदद की। 2008 के एशिया कप में भारत के खिलाफ सईद अजमल ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी और अपनी स्पिन गेंदबाजी से सबको चौंका दिया था। अजमल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने में 12 विकेटों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज रहे थे और पाकिस्तान को टूर्नामेंट जिताने में अहम किरदार निभाया था। अपने विवादास्पद एक्शन के लिए सईद अजमल को साल 2009 में ICC के बैन का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने बॉलिंग टेस्ट पास करते हुए जल्दी ही टीम में वापसी कर ली थी। सईद अजमल अपने टेस्ट करियर में एक इनिंग्स में 5 विकेट लेने का कारनामा 10 बार कर चुके हैं, जबकि 4 बार एक इनिंग्स में 10 विकेट भी ले चुके हैं। सईद अजमल ने अपने क्रिकेट करियर में 113 वनडे इंटरनेशनल और 64 T20 खेले हैं। एक दिवसीय मैचों में उन्होंने 4.18 की औसत से 184 विकेट लिए, जबकि T20 की बात करें तो 64 मैचों में 85 विकेट अपनी झोली में डाले हैं। सईद अजमल ने संन्यास के बाद कोचिंग में अपने करियर को शुरू करने का फैसला किया है। ऐसे में सईद अजमल के फैन यही उम्मीद कर रहे होंगे कि जिस तरह उनका क्रिकेट करियर शानदार रहा है उसी तरह कोचिंग करियर में भी वो कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।